पदोन्नति में आरक्षण की मांग को लेकर रायपुर में बड़ा प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प, बैरिकेड्स तोड़ा, सीएम हाउस की ओर बढ़े प्रदर्शनकारी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर सियासत जारी, रमन सिंह का सरकार पर 10 लाख रजिस्टर्ड किसानों का धान नहीं खरीदने का आरोप, खाद्य मंत्री का धान खरीदी की तारीख बढ़ाने से इनकार। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का छत्तीसगढ़ दौरा, रायपुर में बजट संगोष्ठी कार्यक्रम में शामिल होंगे, सिंधिया के दौरे को लेकर सीएम बघेल का निशाना। सांसद रामविचार नेताम ने संसद भवन में पीएम मोदी से की मुलाकात, इस दौरान नेताम ने बस्तर की परंपरागत कला भेंट की। एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स 6 फरवरी तक ही भर पाएंगे 10वीं 12वीं के एग्जाम फॉर्म, देनी होगी 10,000 रुपए लेट फीस। जल जीवन मिशन के लाभार्थियों से सीएम शिवराज का संवाद, 2023 तक घर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य, अब तक 4,044 गांव तक पहुंचा योजना का लाभ। मध्य प्रदेश में शहरों के नाम पर बदलने पर सियासत तेज, विधायक रामेश्वर शर्मा ने की उबेदुल्लगंज का नाम बदलने की मांग, पीसी शर्मा बोले महंगाई चरम पर है लेकिन सरकार नाम बदलने में मस्त है। भोपाल पुलिस ने खंडवा से सीमी के 2 सदस्यों को पकड़ा, कोर्ट ने जारी किया था वारंट। इंदौर पुलिस ने चोरी के 200 मोबाइल फोन बरामद किए, इंदौर पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने पुलिस कंट्रोल रूम पर शिकायत कार्यकर्ताओं के मोबाइल वापस किए। मुरैना के डूंगरपुर लोधा गांव में खाद सुरक्षा विभाग की टीम ने सचिन डेयरी पर की छापामार कार्रवाई, भारी मात्रा में मिलावटी मावा बरामद हुआ, संचालक पर मामला दर्ज हुआ। कोरबा के कटघोरा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्या के मामले को सुलझाया, हत्या के मामले में 3 आरोपियों में से 2 गिरफ्तार, 1 मुख्य आरोपी की तलाश जारी। भोपाल के प्लाई फैक्ट्री में लगी अचानक आग, अचारपुरा स्थित प्लाई फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बिलासपुर में 2 गुटों में हुआ गैंगवॉर, गैंगवॉर में 2 छात्र घायल, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज किया। गुना में एक युवक को दी गई तालिबानी सजा, छेड़खानी के शक में युवक के हाथ पैर बांधकर सड़क पर घसीटा, आरोपी के साथ लड़की के परिवार वालों ने लाठी डंडों से की मारपिटाई। इलिया राजा टी ने लिया जबलपुर कलेक्टर का चार्ज, कहा कोरोना से लड़ना और वैक्सीनेशन होगी पहली प्राथमिकता, अवैध रेत खनन करने वालों पर होगी कार्रवाई। देवास के माता टेकरी पर असामाजिक तत्वों ने की तोड़फोड़, देवास एसपी ने मामले में संज्ञान लिया, पुलिस ने पहचान कर 2 आरोपियों को राउंड अप किया, दोनों नाबालिग आरोपियों को समझाइश देकर छोड़ा गया। बालाघाट में नोट तिगुने करने का झांसा देकर ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपियों से ठगी का सामान, बाइक और मोबाइल बरामद हुआ। बड़वानी के राजपुर सराफा बाजार से बाइक चोरी कर टेमला मार्ग में बाइक छोड़कर गए चोर, चोरी करते वक्त घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। शिवपुरी में बंदूक की नोक पर कियोस्क संचालक से लूट, 45 लाख रुपए लेकर फरार हुए बदमाश, एटीएम में रिफिल करने के लिए रखे थे पैसे। गरियाबंद में पिकअप वाहन की ठोकर से बुजुर्ग महिला की मौत, देवभोग पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बिलासपुर में चाकू से हमला कर हत्या करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, रोड पर मृतक और आरोपियों के बीच हुई थी बहस। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने को लेकर बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 10 दिनों में मुआवजा दिया जाना चाहिए, ऐसा कहा है। राज्य सरकारों को 1 हफ्ते के अंदर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास मृतकों और अनाथ हुए बच्चों की संपूर्ण जानकारी मुहैया कराने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने साफ किया है कि मुआवजे की मांग करने वालों का आवेदन तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। चीन की राजधानी बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। भारत की तरफ से स्कीयर आरिफ खान ने 4 सदस्यीय दल की अगुवाई की। विंटर ओलंपिक में आरिफ शिरकत करने वाला एकमात्र एथलीट है। स्लालोम और जायंट स्लालोम स्पर्धा में उनका मुकाबला 13 और 16 फरवरी को होगा। बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल 23वें नंबर पर उतरा। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के प्रमोशन के दौरान आलिया भट्ट अजय देवगन एक साथ आए नजर। फिल्म 25 को होगी रिलीज। कंगना रनौत ने वेब शो लॉकअप से किया ओटीटी पर डेब्यू। शो टीवी सीरियल निर्माता एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस में बनकर हुआ तैयार। जॉन अब्राहम ने अपकमिंग फिल्म अटैक का पोस्टर शेयर किया। फिल्म 1 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।